हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। और आज भी इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और कल ही हमने इस पर वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि अगर बाय करना है तो अभी काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी सस्ते में स्टॉक मिल रहा है और आज फिर से एक स्टेप ऊपर की ओर चले गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 500 रुपये स्टॉक ऑलरेडी आज भी बढ़ चुका है और आगे भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अब दिवाली आने वाली है और काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ इसमें आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ बढ़ रही है और स्टॉक में शेयर प्राइस में भी काफ़ी कुछ यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो गाइस, काफ़ी कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। IRCTC, तो यहाँ पर आप करंट प्राइस देख लो। करंट प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर चल रहा है 5,964,000 के आसपास का इसका करंट प्राइस है। और वही अगर देखा जाए आज कितना बड़ा है, 500 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया है, जो काफ़ी बड़ी बात है। और अगर देखा जाए 9% की तेज़ी के साथ ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। वही अगर देखा जाए तो क्या कुछ हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ है और ऊपर की ओर ही ये मूवमेंट बता रहा है। और वही अगर देखा जाए 5 दिन के टाइम फ्रेम पर कितना बड़ा है, 5 दिन के टाइम फ्रेम पर ही अगर देख ले तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 1,156 रुपये तक स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ गया है। वही अगर देखें परसेंटेज के हिसाब से तो 24.07% की तेज़ी से स्टॉक में ऊपर की ओर इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है और स्टॉक एक रैली में ऊपर की ओर जाता हुआ पर नज़र आ रहा है। और गाइस, वही अगर बात करें 1 मंथ का, तो 1 मंथ का भी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख जाएगा 2,256 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया है। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60.85% की तेज़ी से बढ़ा है। सिर्फ एक महीने में 2,256 रुपये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं गाइस, और काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो को इसने अकेले स्टॉक ने ग्रीन कर दिया होगा। और वही अगर देखें तो आज क्या कुछ हुआ है, ओपन हुआ था 5,594 रुपये पर और हाई लगाया था 5,967 रुपये का, और लो लगाया है इसने 5,575 रुपये के आसपास। वही अगर मार्केट कैप की अगर बात करें तो 93.97 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 321 का इसका पी रेशियो दिखाई दे रहा है, और डिविडेंड की अगर बात करें तो 0.084% का डिविडेंड भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। वही गाइस, अगर बात करें क्या कुछ है, तो आज फिर से इसने नया हाई लगा दिया है, रिकॉर्ड सारे तोड़ रहा है, डे बाय डे नए हाई राइज लगाता हुआ नज़र आ रहा है IRCTC। और आप देख सकते हो कि 5,967 का इसने हाई लगाया है, और लो की अगर मैं बात कर दूँ तो 1290 का लो भी यहाँ पर लगाता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। गाइज, अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और IRCTC तो ऊपर की ओर ही देख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर दैनिक भास्कर के एक यहाँ पर पढ़ूँ तो IRCTC, SBI के शेयर्स भारी तेज़ी, सेंसेक्स आज या कल 62,000 को टच कर सकता है और दिवाली तक 64,000। तो सेंसेक्स के साथ ही ये स्टॉक भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। IRCTC अब दिख रहा है 6,000 के आसपास है, और हो सकता है कि दिवाली तक तो ये 10,000 तो टच ईजिली कर ही देगा। तो गाइस, रेजिस्टेंस लेवल और जो सपोर्ट लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं बताऊँ तो 5,708.37 रुपये का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिख जाएगा। और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ 5,953 रुपये का है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है वो है 6,312 का रेजिस्टेंस लेवल है। और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल आपको दिख जाएंगे 5,104 रुपये के आसपास का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। सेकंड सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 4,745 रुपये के आसपास का है। और वही थर्ड सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,500 का है। तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट लेवल, थर्ड सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट लेवल, थर्ड सपोर्ट लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पता चल जाता है कि स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो कितना नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, 6,312 का है और कल भी क्रॉस कर ही देगा। बात करेंगे गाइस क्या कुछ इसमें, आप देख सकते हो 1 वीक का प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 1 ईयर का प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो 342.56% का प्राइस परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर ईयर में हाफ का अगर बात की जाए तो 308.80% है, और अगर 3 मंथ्स की बात की जाए तो 142.21% है। वही अगर 1 मंथ की बात की जाए 52.14% है। वही अगर 1 वीक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 23.16% के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ये मूवमेंट कर रहा है ऊपर की ओर, और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा आने वाले टाइम में भी। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड वैल्यू में क्या कुछ हुआ है। ट्रेड वैल्यू में आज के दिन थोड़ा सा नुकसान हमें देखने को मिला है,
नुकसान तो नहीं कह सकते बट थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो वन मंथ का एवरेज अगर देखा जाए, पीछे से हम देख लेते हैं कैसे एक बार, अगर वन मंथ का एवरेज देखा जाए तो 60 लाख के समथिंग का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू है, 10 लाख के समथिंग की है यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी। वही अगर देखा जाए वन मंथ वन वीक का एवरेज 76 लाख के समथिंग का यहाँ पर दिख जाएगा ट्रेड वैल्यू और 13 लाख के समथिंग की है कॉम्बिनेंट डिलीवरी। पर वही अगर देखें यस्टरडे की मैं बात करूँ तो 1 करोड़ के समथिंग की है ट्रेड वैल्यू, 20 लाख के समथिंग का है कॉम्बिनेंट डिलीवरी। और अगर वही बात करें आज के दिन की तो 86 लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू और 16 लाख के समथिंग की कॉम्बिनेंट डिलीवरी। आज इसमें गिरावट क्यों आई है, 86 लाख ही क्यों देखने को हमें मिल रही है, भले ही स्टॉक 500 रुपये आज ज़्यादा बड़ा हो पर तो भी कमी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों में डर बस गया है गाइस, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक ये चले गया है, ओवर वैल्यू हो गया है स्टॉक, उसके कारण काफ़ी लोगों में डर बैठ गया है कि कभी भी अगर गिर सकता है स्टॉक तो काफ़ी हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी लोग अभी बाय करने के मूड में नहीं दिखेंगे और वही देखते हैं कि कम्युनिटी सेंटीमेंट के हिसाब से क्या कुछ है। तो अभी भी 71% लोगों का कहना है बाय के लिए वो जाने के कह रहे हैं, बाय कॉल उनकी ओर से दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 21% तक लोगों का कहना है सेल कॉल उनकी ओर से दिया गया है, 21% लोगों की ओर से। और जो 8% लोग हैं, 8% लोगों का कहना है होल्ड के लिए, वो कह रहे हैं अभी भी होल्ड रख सकते हो, होल्ड कॉल उनकी ओर से दिया गया है। और अगर देखा जाएगा 71% लोग बाय के लिए कह रहे हैं, 21% लोग कह रहे हैं होल्ड के लिए, सेल के लिए कह रहे हैं। तो अभी काफ़ी डर का माहौल है गाइस, क्योंकि लोग अभी सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग अभी तक इसमें देखने को हमें नहीं मिल रही है, अभी तो इसमें बाइंग ही चल रही है और अपसाइड की ओर जा सकता है, बट हो सकता है कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो या नीचे की ओर आ सकता है, बट दिवाली तक ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरा भी ओपिनियन यही कि 8% लोगों के साथ ही मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि 8% लोग होल्ड के लिए कह रहे हैं और वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी होल्ड रख सकते हो। और वही गाइस अब बात करते हैं रेवेन्यूज़ की, तो रेवेन्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017 के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो 1523 का रेवेन्यू यहाँ पर है, 2018 में 1466 करोड़ का रेवेन्यू है, 2019 में 1870 करोड़ का रेवेन्यू है और 2020 में 2275 करोड़ का रेवेन्यू है। इसके बाद तो डाउन ही गया था। और 2021 की मैं बात करूँ तो 2021 में 783 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो गाइस रेवेन्यू की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 2017 से लेकर 2020 तक काफ़ी अच्छा स्टेबल नेट प्रॉफिट बढ़ा है, हालांकि 2021 में कम है। तो शुरू से देख लेते हैं, 2017 में नेट प्रॉफिट बढ़ा था 214 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हुआ है गाइस। वही अगर 2018 के नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको 219 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। और 2019 की अगर बात करें तो 308 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। और 2020 की अगर बात करें तो 528 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2021 में हालांकि यहाँ पर कम दिखेगा, क्योंकि 190 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरेट होता है, बट यहाँ पर ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का स्टॉक है, वो रिजल्ट भी बाकी है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो 67.4% के आसपास की जो होल्डिंग है वो है प्रमोटर्स की, और जो FII की होल्डिंग है वो 7.81% के आसपास है, और जो DII की होल्डिंग है वो है 8.48% के आसपास है। और वही अगर देखा जाए यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो 16.32% के आसपास की होल्डिंग है यहाँ पर सिर्फ पब्लिक की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो काफ़ी स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख जाएगा, और इसी से पता चलता है कि स्टॉक में कितना स्टॉक कंसिस्टेंट है आगे जाने के लिए। अब बात करते हैं गाइस क्या कुछ यहाँ पर टॉप शेयर होल्डर्स है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की ही होल्डिंग आपको दिख जाएगी 67.14% के आसपास की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की अगर देखी जाए तो यहाँ पर 1.36% के आसपास की होल्डिंग है। वही अगर देखा जाएगा इस DII की होल्डिंग, तो DII की होल्डिंग में आप देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC की यहाँ पर होल्डिंग है 2.11% के समथिंग की। और वही अगर देखा जाएगा इस यहाँ पर बॉडीज कॉरपोरेट की है 0.74%, हियरिंग मेंबर्स की है 0.50%, NRIs की है 0.43%, HUF की है 0.30% के आसपास की है। और गाइज म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तो यहाँ पर नहीं है, एम्प्लॉयज़ की भी है 0.03% के आसपास। स्टॉक काफ़ी अच्छा है गाइज, काफ़ी अच्छा है, और मेरा भी सजेशन ये है कि दिवाली तक आप बिल्कुल बाय से कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफ़ी अच्छा है। सो गाइज वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।